अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खिजर अत्तारी। सबसे पहले 5W न्यूज हेडलाइंस। 12 से 17 मार्च तक PSL के 5 मैचेस कराची में ही होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कोरोना वायरस से मैचेस मुतासर नहीं होंगे। गवर्नर सिंध बोले मायूसी फैलाने की जरूरत नहीं, यकीन दिलाता हूँ तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आटा और चीनी बोरान की रिपोर्ट पेश न किए जाने पर वजीर आजम बरहम। सेक्रेटरी काबीना को खरी खरी सुना दी, कहा अवाम को लूटने वालों के खिलाफ जिहाद जारी रखूंगा। फिरदौस आशिक अवान ने ब्रीफिंग में बताया तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाई जाएंगी। वजीर आजम ने जखीरा अंदोजों को सामने लाने की हिदायत की। लीगी रहनुमा पीर साबिर शाह ने पार्टी को पंजाब की जमात करार दे दिया। नून लीगी पार्लिमानी पार्टी की अंदरूनी कहानी 5W सामने ले आया। स्टेज पर सब पंजाब के रहनुमा हैं, बाकी सूबों के नुमाइंदे कहाँ हैं? पीर साबिर शाह और जवेद लतीफ की तनकीद, आपने गलत बात की, पार्टी नवाज शरीफ की है, ख्वाजा आसिफ का जवाब। पंजाब में नून लीग का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। नून लीग के MPs की वजीर आला उस्मान बुजदार से मुलाकात। लीगी रुकन असेंबली अशरफ अली अंसारी ने मुलाकात की तस्दीक कर दी, कहा जाती हैसियत से वजीर आला से मिला। हमजा शहबाज का नोटिस, कहते हैं नून लीग के खिलाफ पहले भी ऐसी कोशिशें हुई। आज पिशावर जलमी और लाहौर कलंदर में जोर का जोड़ पड़ेगा। कलंदर ने कामरान अकमल और शुएब मलिक को निशाने पर रख लिया। जीत की चाल किस तरह चलनी है, पिशावर जलमी ने हिकमत अमली तैयार कर ली। सादगाबाद में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ दुकानदार दुकानें बंद करके सड़कों पर निकल आए। निश्तर चौक पर टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद नसीम सादिक ने DIG पुलिस इमरान अहमद के हमरा जनूबी पंजाब के मिनी मर्री सेहत अफजा मकाम माड़ी जिला राजनपुर का दौरा किया। उन्होंने मरकज सेहत, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, लाइफ स्टाफ डिस्पेंसरी, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और वजीर अला पंजाब के मुतवक्का दौरा कोमाड़ी के इंतजाम का जायजा लिया। SHO सिटी जामपुर की कार्रवाई, 80 साल बुजुर्ग बेवा खातून की 1 माह कबल चोरी होने वाले 1 लाख रिकवर करके वर्षा के हवाले कर दिए। इस मौका पर बुजुर्ग खातून ने SHO सिटी जामपुर को खिराज तहसीन पेश किया।